अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं जी। आज का व्लॉग के बारे में बता दूँ, ये व्लॉग जो है ये शॉपिंग के रिलेटेड है। और ये चीज़ बता दूँ कि ये व्लॉग मैंने ईद के दिनों ही बनाई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी और जोया के लिए और अपने भाई बच्चों के लिए शॉपिंग की थी, तो इसी व्लॉग में सारी चीज़ें मौजूद है और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो आज जो मैं शॉपिंग कर रही थी तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दिखा रही हूँ मैं जो जोया के सबसे पहले मैंने शॉपिंग स्टार्ट की थी और यहाँ पे मैं देख रही थी जोया के लिए कुछ चीज़ें जो आज कल के वेदर से रिलेटेड हो, बहुत ही लाजमी होती हैं, ज़रूरत होता है बच्चों को स्पेशली। तो यहाँ से मैंने जितनी भी शॉपिंग की है आलमोस्ट बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैंने की थी। इसकी वजह ये है क्योंकि इस दिनों जो होते हैं ऑफ स्पेशली मिड ईयर में, और जो प्राइसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और बहुत ही बचत में इंसान बड़े अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टॉयज देख रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय के बच्चों के लिए मैंने जो गिफ्ट्स ली थी तो उसी के रिलेटेड मैं यहाँ पे आई थी, तो वो हो गई डन आलमोस्ट। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही थी घर से रिलेटेड डेकोर के सामान, और यहाँ के डेकोर बहुत ही एलिगेंट होते हैं, बहुत ही सिंपल बट ब्यूटीफुल होते हैं। आपके घर में ये चीज़ें ऐड करने से और भी ज़्यादा खूबसूरत जो उस घर का जो लुक है बन जाती है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं जो रिलेटेड है होम डेकोर से। होम डेकोर की मुझे उतनी चीज़ें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने तो इससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह घर की चीज़ें मैंने बदल दी और थोड़ी सी चेंजिंग ले आई। पर एनीवेज मुझे तो करनी है बैकयार्ड की थोड़ी बहुत रेनोवेशन, तो इंशाल्लाह वो जब करूँगी उसकी शॉपिंग करूँगी और तो आपसे ज़रूर मैं शेयर कर लूँगी। तो वहाँ से फ्री होते ही मैंने कहा चले आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नई चीज़ें आए, और अगर कोई चीज़ मुझे सेल में मिल गई और मुनासिब प्राइस में मिल गई ज़रूर मैं लूँगी। तो ये सेक्शन है हमारे पास रिलेटेड टू बाथरूम एंड किचन। तो यहाँ मैंने बाथरूम की उतनी चीज़ें मैंने नहीं देखी बट मैंने किचन की तरफ ज़्यादा टाइम दी क्योंकि आपको पता है सभी औरतें जो है किचन से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही उनमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको ये जो है नाइफ वगैरह और सेट में जो मौजूद है डिफरेंट साइज ऑफ स्पून। यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी सेट में मिलता है बट बहुत ही लिमिटेड सेट होते हैं क्योंकि अगर आपने एक चीज़ लेनी है तो उसमें सपोज फोर पीस ही होता है या ज़्यादा से ज़्यादा पाँच पीसेस में मौजूद होंगे तो ये मसला बनता है। तो आप अगर लेना चाहेंगे तो सपोज़ छः बंदों के लिए तो आपको छः सेट लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा इश्यू होता है अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे लिहाज से प्राइस थोड़ा सा ऊपर होगा और ये चीज़ मुझे थोड़ा से पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे आपको नज़र आया है नाइफ़ का सेट। मैंने ये नाइफ़ का सेट जो ली थी वो अवांस शॉप से ली है, वो आलमोस्ट इनके सेट से लिटिल बिट ज़्यादा है उनमें मौजूद। ये लोग सिंगल पीस में बेचते हैं, वहाँ पे आपको ऑल साइज नाइफ जो है एक ही सेट में मिलेगा और मिनिमम आपको जो प्राइस पड़ जाती है नियर टू $45, सो इट्स रिजनेबल प्राइस। यहाँ पे आपको मैं अभी दिखा रही हूँ वो है कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड में हमारे पास थ्री टाइप्स के मौजूद हैं यहाँ पे, वुड, प्लास्टिक और मार्बल की। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मार्बल, क्योंकि कटिंग करते वक्त उसमें जो आप कट लगाते होते हैं किसी भी चीज़ पे तो वो तो आपका जो नाइफ है तो अतमन कटिंग बोर्ड पे टच ज़रूर कर लेगा। तो टच करने से या उस पर लगने से क्या होगा, उसके जो ज़रात होते हैं खाने में शामिल होते हैं, खाने में शामिल हो जाए तो इसमें आप उसे ज़रूर खाएंगे।
जाएंगे, जो कि बहुत ही डेंजर और हार्मफुल होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो मार्बल सबसे बेस्ट है, आप उस पर चाहे कुछ भी चीज़ काट ले तो वो कुछ असर नहीं होगा आपके खानों पर। तो मैं इसी वजह से मार्बल को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वहाँ से मैं फ्री होते ही मैंने कहा आप थोड़ा और कुछ दिखा दूँ और ख़ुद भी देख लूँ, अगर कुछ मुझे ज़रूरत हो तो वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। यहाँ पे मैं जग देख रही थी तो मुझे ये जग नज़र आया, ये जग मैं पहले ले चुकी हूँ और ये जग आपको क्रिस्टल का नज़र आ रहा होगा, बट ये क्रिस्टल का नहीं है, प्लास्टिक का। ये जो प्लास्टिक का जग है मैंने तो ली है, क्योंकि इसका दो रीज़न ये है कि मुझे तो जो क्रिस्टल में नहीं मिली यहाँ पे, मैंने बहुत ही ढूंढी कि मुझे क्रिस्टल में मिल जाए बट नहीं मिला, तो मैंने ये प्लास्टिक को ही बेस्ट ऑप्शन देखा। और ये चीज़ बता दूँ, आप जो है प्लास्टिक जो बने होते हैं जग्स या ग्लास, तो आप इसे डिशवाशर में यूज़ ना कर लें। डिशवाशर में यूज़ करने से उसका कलर बहुत ही ख़राब हो जाता है और बाद में दोबारा यूज़ करने का वो बिल्कुल नहीं रहता उस कंडीशन में कि आप उसे यूज़ कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मैं दूसरी चीज़ें दिखा रही थी रिलेटिव टू किचन, और स्पेशली ये जो बॉक्स हैं, ये बॉक्स है बच्चों के लिए जिसमें आप उनके लंच बॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही इसकी क्वालिटी, और इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाने चाह रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि जितने भी मुझसे हो सके आपने व्यूवर्स को मैं ये अपनी जो शॉपिंग है और जितनी दूसरी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं, तो मैं यहाँ से आपको दूसरी चीज़ें भी दिखा रही थी। साथ में ये चीज़ भी दिखा दूँ कि आजकल जो है बहुत ही जो रिलेटेड टू किचन इक्विपमेंट्स सिलिकॉन के बने हुए चीज़ें बहुत ही आ रहे हैं, जैसे कि सिलिकॉन कंटेनर, सिलिकॉन स्पून वगैरह। वो इस वजह से क्योंकि ये बेस्ट है मेरे ख्याल में, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, सिलिकॉन कंटेनर विद डिफरेंट शेप्स जो आप आइस क्यूब के लिहाज भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने जेली उसमें बनाई थी तो कितनी ईजिली से वो निकल कर बाहर आ गए और मैंने उसे यूज़ कर ली थी एज अ डेकोरेट इन फूड। तो बहुत ही पैसे, ये मैं आपको दिखा दें उनके जो डिटेल्स लिखे हुए हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं। जी बस मैं अभी आपको दिखा रही थी वफल मेकर, और क्योंकि मैं ख़ुद इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हूँ तो मैं कहा कि अपने व्यूवर्स को साथ भी शेयर कर लूँ। जो वफल मेकर हैं इनके पास बहुत ही डिफरेंट शेप्स और डिज़ाइन में मौजूद है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि वफल्स हर शेप्स में अवेलेबल होता है मार्केट में। तो इसी वजह से ये मैं आपको दिखा रही थी, और साथ में मैं ख़ुद भी ये चीज़ें देख रही थी कि अपने लिए ले लूँ। तो टोस्टर जो है हमारे घर में पहले से मौजूद था, और सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि इन्होंने हर चीज़ को एक दूसरे के साथ मैचिंग करके रखा हुआ था, ताकि आप अपने किचन में बहुत ही एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके रख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर प्रेशर कुकर,
हाँ जी, बस यहाँ पे मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है वो दिखा रही थी, बट ये मैं भूल गई थी कि उन्होंने शॉप में म्यूज़िक चलाया हुआ था, जिसके वजह से मुझे मजबूरन इनके जो वीडियो की आवाज़ है मैंने बंद की है, और मैं नहीं चाह रही थी कि कॉपीराइट वगैरह कुछ आ जाए। बट एनीवेज, यहाँ से मैं फ्री होने के बाद मैं चाह रही थी कि मैं जल्द से जल्द अपने लिए शॉपिंग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए लाजमी शॉपिंग करनी थी आज, और इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। और दूसरे ऑलमोस्ट शॉपिंग मेरा तो कंप्लीट हो गया था, फिर भी मैंने कहा कि ये जिसे देख लेते हैं, ये चीज़ें शायद हमारे काम कुछ आ जाए और अपने व्यूअर्स को भी पसंद आ जाए, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स। सो ये मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ से फ्री होते ही मैंने अपने लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर ली, और मुझे सबसे पहली चीज़ बहुत पसंद आई वो थी बैग। जैसे सारे लेडीज़ को पता है कि जिनके बच्चे होते हैं तो वो बड़ा बैग ही आजकल यूज़ कर लेती है, बड़ी बैग, इसकी वजह ये होती है उनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, और छोटी बैग ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, पसंद आ जाती हैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो पसंद है स्पेशली फंकी स्टाइल में। बट एट द एंड ऑफ द डे वही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमें अपने लिए बड़ी साइज़ में बैग लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के सामान जो इतने ज़्यादा होते हैं वो इजीली इसमें आ जाते हैं, तो मेन रीज़न यही होता है। तो इसी वजह से वो बैग मुझे बहुत ही पसंद आई थी, और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल था, तो मैंने कहा कि एंड में मैं उसे ज़रूर देखूँगी और लूँगी। और आगे पढ़ते हैं, मैंने कहा और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे शूज़ और सैंडल वगैरह, मुझे यहाँ पे शूज़ और सैंडल उतने ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि इनके जो सोल्स होते हैं बहुत ही सख्त होते हैं, और मुझे कंफर्ट वाले शूज़ ज़्यादा पसंद हैं और यूनिक स्टाइल में, उनके शूज़ बहुत ही सिंपल होते हैं और जो कि हमारे ड्रेसेस के साथ मोस्टली जाते ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसेस देख ली जो कि हमारे रियाज से बहुत ही बेस्ट था। यहाँ से मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकती, इसकी वजह ये है कि अगर आपको इनके लेंथ और इनके स्लीव्स और इनके जो फैब्रिक होते हैं पसंद आ जाए, तो इनमें एक न एक ऐसी चीज़ निकल आ जाती है डिज़ाइन वगैरह में कि आपको वो रिजेक्ट करना पड़ता है और आप नहीं ले पाते। स्पेशली इनके जो गले होते हैं, कभी कभार इनके गले बहुत ही बड़े होते हैं, कभी इनके स्लीव्स नहीं होते हैं, और कभी बिल्कुल जो फैब्रिक पतला सा होता है जो आप नहीं पहन सकते हैं, तो एक न एक ऐसी चीज़ निकल के आ जाती है जो जिसकी वजह से आप नहीं ले पाते। तो ये मेन रीज़न होता है कि हमें जो है पाकिस्तान से मंगवाना पड़ता है अपने लिए ड्रेसेस। तो ये यहाँ पे मुझे एक दो ड्रेसेस पसंद आ गई थी, और मैंने कहा कि चले भाई लेते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल से मुझे मिल गई है तो मुझे लेनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही थी, इनके प्राइस में ऑफ भी लगी हुई थी, तो बेस्ट थी। मैंने कहा कि भाई ले लेते हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आपको नहीं मिलती, और मैंने अपने लिए ले ली, शॉपिंग कर ली थी, और कहा कि अगर कुछ और मिल जाए, क्योंकि बार बार आना और बार बार शॉपिंग करना भी बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, और आपको बहुत दूसरे घर के काम भी होते हैं, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। और दूसरी जिसे मुझे पसंद आ रही थी सेम रीज़न, इनके गले वगैरह, जैसे आप देख रही है उनके गले, तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी गला बहुत ही हमारे जो पसंद के लिहाज से मौजूद थे, और दूसरे जो थे इनके गले बहुत ही बड़े बड़े, और बैक और फ्रंट दोनों ही इनके नेक जो थे इक्वल थी डीप के लिहाज से, तो मैंने वो नहीं ली। जब से मैं आई थी शॉपिंग करने के लिए, तो जोया सोई हुई थी और अभी तक वो सो रही थी, मैंने कहा भाई उसे उठा देनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबी टाइम सो जाए और फिर अगर जाते ही फिर वो मुझे तंग करेगी, तो बेस्ट यही है कि मैं जल्द से जल्द अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ, और अब जो है घर जाने से पहले उसे उठा दूँ, क्योंकि अगर वो रास्ते में उठ गई तो फिर मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रही थी और देख रही थी कि और कुछ नज़र आ जाए ताकि मुझे ले पाऊँ। यहाँ पर मुझे ये शर्ट से बहुत ही पसंद आई थी, मैं यहाँ पर शॉर्ट टी शर्ट्स अपने लिए नहीं ले पाती हूँ, जिसकी वजह यह है वो बहुत ही लेंथ में शॉर्ट होते हैं और मैं मुझसे पहने ही नहीं जाती हैं।
क्योंकि ये ज़्यादातर नॉर्मल साइज़ लोगों के लिए बेस्ट है, और जिनके हाइट होते हैं उनके लिए शर्ट्स शॉर्ट्स पड़ जाते हैं, तो इसी वजह से लेना थोड़ा सी ये है रिस्क होता है, क्योंकि आप इसे लेकर जाएंगे और घर में आपको पसंद नहीं आएगा तो दोबारा आना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा या फिर आपको एक्सचेंज। तो इस वजह से मैंने उतने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं की और मैं आगे बढ़ी और अपने लिए टाइल्स ढूंढने पे लगी। ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको वाइट कलर के टाइल्स मिलते नहीं, अगर मिल जाएंगे तो आपको शोर टाइल्स मिल जाएगी। आई डोंट नो, यहाँ लोग जो होते हैं ब्लैक और ग्रे पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं टाइट्स पे रादर देन वाइट कलर पे। तो इस बार मैंने पाकिस्तान से अपने लिए बहुत ही ज़्यादा वाइट टाइट्स मंगवाई, क्योंकि आप जब फ्रॉक पहनेंगे और दूसरे जो लॉन्ग कमीज होते पहनते हैं तो उनके साथ वाइट जो टाइट्स होते बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो इसी वजह से मैंने कहा इस बार मैं पाकिस्तान से अच्छा खासा अपने लिए टाइट्स मंगवाऊँगी कि एट द एंड मुझे इसके मसला ना बने। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं देख रही थी कि स्पोर्ट्स जो टाइट्स होते हैं वो मौजूद थे, जो नॉर्मली हम लोग कैजुअल पहन लेते हैं टाइट्स वो यहाँ पे बिल्कुल थी ही नहीं। तो यहाँ से मैंने पेमेंट कर ली और जितनी शॉपिंग थी मेरी वो कंप्लीट हो गई थी, और यहाँ से फिर मैं निकल गई घर की तरफ। और मुझे आप लोगों को दिखाना भी था कि आज मैंने कौन कौन सी चीज़ें शॉपिंग की थी, तो आप देखिए कि आज मैंने क्या चीज़ें शॉपिंग की है। जो सबसे छोटी बेटी है मेरे भाई की, उसके लिए मैंने ये ली है, और ये प्ले होता है, अभी मैं प्ले नहीं करूँगी। ये आप सुन रहे हैं ना जोया का जो आवाज़ें आ रही है, इसकी वजह से कि वो ये मांग रही है, तो मैंने इधर छुपा के रखी थी, अदरवाइज जोया इसे मांग रही थी मुझसे। ये प्ले होती है, ये बटन दबाने से प्ले होगी, और ऑलमोस्ट ये इसमें जो हैं ये चीज़ें मौजूद है, लाइट अप बेली एंड 35+ सॉन्ग्स साउंड्स एंड फ्रेजेस द वॉइस एंड बेली रिस्पॉन्स टू बेबी टच। तो ये चीज़ें हैं ऑलमोस्ट ये सभी। और जो सेकंड जो मेरी भतीजी है उसके लिए मैंने ये ली है फिंगरप्रिंट आर्ट, क्योंकि वो अभी कैंडी जा रही है, तो मैंने कहा अब वो स्टेज निकल चुकी है कि उसे ट्वाइस पसंद आ जाए, तो मैंने ये ली कि आजकल वो कैंडी में सपोज ये चीज़ें आई थिंक यूज़ कर रही होगी, तो इट्स हेल्पफुल फॉर हर स्टडीज़ और समथिंग लाइक दैट। तो ये ली है मैंने उसके लिए। और जो मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा है, तो वो माशाल्लाह आई थिंक 7 हो चुका है उसका एज, आई थिंक वो जो मेरे भाई का बेटा उसके लिए मैंने ये ली है, ये है डिस्कवरी मियो लिट ग्लो, और इसमें ये खूबिया है 36 लाइट अप कलर्स एंड इफेक्ट्स सी थ्रू ग्लोइंग बोर्ड एंड 4 फ्लोरिसेंट मार्कर्स इंक्लूडेड। अच्छा, उसके लिए मैंने ये लिया है। और ये क्यूट जोया के लिए मैंने ये ड्रेस और ये हेयर क्लिप ली थी, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में ज़रूर देखा होगा कि ये चीज़ के बारे में आपको बता रही थी कि इसके साथ मैंने क्या चीज़ दी है। और यहाँ पे मेरे भाई ने जो थोड़ा सा क्लिप शेयर की थी कि जो मेरे भाई के बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही पसंद आया उनके गिफ्ट्स, और मेरे जो सबसे छोटी ये भतीजी है उसे भी बहुत ही पसंद आई थी और खेल रही थी, और भाई ने कहा कि वो मेरे साथ भी शेयर कर ले, और मैंने अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर किए। ये हमारे जो प्यारे से लम्हात होते हैं और जो खुशी मिलती है जब आपके बच्चे वो गिफ्ट्स पसंद करते हैं और ख़ुशी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो अलग सा खुशी मिल जाता है। फैंसी आप कह सकते हैं ये सिल्क में और शाइनी और बिल्कुल फ्लफी सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है, तो मुझे एक ये पसंद आई, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें लगा हुआ है ये बेल्ट, तो ये भी बेस्ट है। मैंने ये पहनी हुई थी, अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को उसका जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस व्लॉग में मैंने ये ड्रेस पहनी हुई थी, और किसी ने नहीं देखा मेरा ये व्लॉग तो प्लीज़ जाके विजिट कर ले और देख ले मेरा व्लॉग से। टारगेट का ये बेस्ट है, इनका जो फैब्रिक है ना टॉप है टॉप, और इनका डिज़ाइन भी लिटिल बिट बेहतर होता है, और हम लोग मोस्टली हम लोग पहन भी सकते हैं, तो मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ। जी वर्स, आज मैंने जितनी भी शॉपिंग की थी आपके साथ मैंने शेयर कर ली, और मैंने कहा कि आपको मैंने ज़रूर दिखाना है कि आज मैंने कौन कौन सी चीज़ें शॉपिंग की थी।
तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एड कर लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की व्लॉग और मेरी शॉपिंग जो है दोनों ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियोज़। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।